एसकेपी 7 न्यूज वैशाली। कुल्हाड़ी से प्रहार कर पति ने की पत्नी की दर्दनाक हत्या, आरोपी पति थाने में किया आत्मसमर्पण। वैशाली के गोरौल थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में पति ने अपने सोई हुई पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद हत्यारा पति ने थाने में जाकर आत्मसमर्पण भी कर दिया है। इस हृदय विदारक घटना से पूरा गाँव में मातम पसर गया है। मृतका 45 वर्षीय रेणु देवी घर में खाना खाने के बाद सोई हुई थी, तभी उसका पति अरुण राय कुल्हाड़ी से सर सहित शरीर की कई हिस्सों पर हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था, रेणु की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गोरौल पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया है। ड्यूटी में बुलटे नहीं थे। क्या हुआ, क्या जानकारी क्या मिली आपको, क्या जानकारी मिली आप ड्यूटी पर थे तो? जानकारी मिली कि भाभी मरी, मर गई। कैसे मरी? भाई साहब मार दिए।